हे गाइस, वेलकम टू एक्स्ट्रा ज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं L1 में हो रहे भर्ती को लेकर। 28 और 29 तारीख को यानी कि फिजिकल टेस्ट होने वाले थे, जो कि अभी रद्द कर दिया गया है कुछ कारणों से। तो वो कारण क्या है, तो दोस्तों आज के वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम अपने डेस्कटॉप पर देख लेते हैं। ये हमारे पास एक पीडीएफ है, जिसमें दोस्तों इसमें संयुक्त पंचायत जनसंघर्ष समिति द्वारा यह लेटर जो है दोस्तों सभी विभागों को दिया गया है, जिसमें साफ साफ लिखा गया है किन कारणों से यह हड़ताल कर रहे हैं यहाँ के लोकल, एंड यहाँ जो है पेपर को रद्द करने के लिए कहा जा रहा है। तो गाइस, 28 एवं 29 तारीख को कोई भी फिजिकल टेस्ट नहीं हुआ, क्योंकि यह प्रोटेस्ट कर रहे थे, स्ट्राइक कर रहे थे। तो इन कारणों से यहाँ पर कुछ कुछ टिप्पणी लिखी गई है, जिसे आपको देखना चाहिए। तो गाइज, यहाँ पर देखा गया है दिनांक 28/12/2022 से होने वाले NMDC L1 भर्ती का शारीरिक प्रशिक्षण को रोकने हेतु सूचना देने बाबत, ठीक है। तो यहाँ पर साफ साफ हम पॉइंट पढ़ लेते हैं डायरेक्ट। कई बार हमारे द्वारा जिला प्रशासन NMDC प्रबंधक में स्वस्थ इस बात को रखा गया था कि प्रशिक्षण में गड़बड़ी हुई है, पेपर लीक हुआ है, परंतु इस पर जिला प्रशासन एवं NMDC प्रबंधन द्वारा प्रशिक्षण को नियंत्रित करने को कई कार्रवाई नहीं की गई। दोस्तों, यह है कि अभी देखने को आया है कि प्रशिक्षण टीचर को प्रशिक्षण देने हेतु नियुक्त किया गया था, यह स्वयं ही प्रशिक्षण शामिल हुआ था तथा उसको काफ़ी ज़्यादा अंक भी प्राप्त हुए थे। इसका भी चयन किया गया है, जो कई प्रकार के अंकों को जन्म देता है। यह इस भर्ती में स्थानीय युवकों को अनदेखा भी किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, यह L2 की भी चयन सूचना के आपात में भी चयन किया लिया गया, अर्थात जिसका नाम सूची से नहीं था उनको भी L2 में नियुक्त पद दिया गया रहा है, ठीक है, जो कई प्रकार को की हो रही अनियमितताओं को प्रदर्शित करता है। अतः इस समस्त बिंदुओं को दृष्टि करते हुए जिला प्रशासन एवं NMDC प्रबंधन द्वारा की जा रही मनमानियों को विरोध में हम सभी फिजिकल टेस्ट का विरोध करते हैं। अतः हमारे ओर से यह निर्णय किया गया है कि दिनांक 28/12/2022 से होने वाली शासकीय भर्ती को पूरा विरोध किया जाएगा तथा इस पर रोक लगाया जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा, टोटल 5 विभागों को यहाँ जो है लेटर वितरण किया गया है। पहला तो दोस्तों कलेक्टर ऑफिस, दूसरा पुलिस अधीक्षक, दूसरा तहसील दोस्तों, चौथा जो था महाप्रबंधक बचेली कॉम्प्लेक्स और महाप्रबंधक किरंदुल कॉम्प्लेक्स को यह जो है लेटर प्रस्ताव किया गया था। तो इसके लिए एक बड़ा मुद्दा है, जो कि पेपर को कैंसिल कराने के लिए दोस्तों यहाँ के लोकल लोग स्ट्राइक कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसके उपक्ष में NMDC ने इन्हें क्या रिप्लाई दिया गया, इसका भी लेटर हम देख लेते हैं। एक बार लेटर देखने के लिए यहाँ पर हम सिंपली फोटो देख लेते हैं। यहाँ पर ये NMDC द्वारा दिया गया NMDC लिमिटेड सूचना, सभी संबंधित को यहाँ सूचित किया जाता है कि 28/12/2022 को 29/12/2022 को निर्धारित रोजगार अधिसूचना संख्या 5/2021 के फील्ड अटेंडेंट प्रशिक्षण के प्रदान के लिए शारीरिक प्रशिक्षण प्रशासन करणों से स्थगित कर दिया गया है। शारीरिक योग्यता प्रशिक्षण की अगली तिथि निश्चित समय के सूचित की जाएगी। तो दोस्तों, अभी के लिए जो दोस्तों यहाँ पर कोई भी फिजिकल टेस्ट नहीं होने वाली है, अगर कोई डिसीजन आता है तो उसके बाद ही दोस्तों जो है फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा। मुझे नहीं लगता कि अब यह जल्दी होने वाला है, इसमें काफ़ी डिले होने वाला है। तो गाइस, यहाँ पर लोकल का मानना है कि अधिक से अधिक SC/ST वालों को जो है लोकल को जो है लिया जाना चाहिए। तो उनका भी कहना थोड़ा बहुत सही है, पर देख लेते हैं NMDC और प्रशिक्षण क्या करता है। तो दोस्तों, इसके अलावा हमारे पास और एक लेटर है, यहाँ पर देखने को मिलेगा जो है, यहाँ पर कुछ देखने को मिलेगा स्ट्राइक कुछ इस तरह से किया जा रहा है। हमारे द्वारा कुछ ये तस्वीरें हैं, जिसे आप साफ साफ देख सकते हैं। आ रहे कुछ भर्तियों को लेकर बहुत सारे स्ट्राइक हो रहे हैं, इसमें से ही L1 भी शामिल है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा प्लीज़ वीडियो को कमेंट कीजिएगा, एंड हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, नेक्स्ट जो भर्ती बहुत ही जल्द आने वाली है, तो ये भर्ती में डिले होने वाली है। नया वैकेंसी भी सुनने को आया है कि जल्द ही निकलेगी, अब 2023 में निकलेगी या 24 में, ये जल्दी पता चलेगा। अपडेट हम देते रहेंगे, वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।